मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का शाहिन की किचन में वेलकम है। आज मैं आपको मटन आलू गोश्त या आलू गोश्त जिसे कहते हैं ये बताऊंगी। कम क्वांटिटी से बता रही हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है कि आजकल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और वो कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आता है। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन इस रेसिपी को बनाने में यही है कि सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और दो लोगों के लिए ये सफिशिएंट है। तो देखते हैं, ये मैंने 250 ग्राम्स गोट मीट या बकरे का गोश्त लिया है। जिस भी तरह के पीसेज आप खाते हैं वैसे कटा लें। ये मसाले हैं इसके, हल्दी ली है आधा चम्मच, और क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतने मसाले रेडी नहीं रहते हैं तो आप रेडीमेड जैसा कि मैंने लिया है किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये 1 से 1.5 टीस्पून मटन मसाला है। खड़े मसालों में थोड़ी सी लौंग है, ये पत्थर फूल जिसे छबीला भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। थोड़ा सा तेल में इसको हम पहले डालेंगे बघारने के। ये एक पत्ता है, कुछ काली मिर्ची है और इसको मैं थोड़े से खोपरे के साथ पीस लूँगी। बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ये जावित्री है, शाहजीरा है एक चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है। ये 2 टीस्पून सूखा धनिया है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैंने 1 से 1.25 टीस्पून लिया है, जितनी तेज मिर्च है उस हिसाब से लेंगे। ऑयल है और ये 1 टीस्पून खोपरा है जिसको कि मैं साथ में पीसूंगी। ये मैंने आलू काट के इस तरह से नमक में हमें भिगा लेना चाहिए, जितने भी आपको आलू लेना है। मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू मटन बनने के बाद खोल के हम देखेंगे, जब मटन गल जाएगा तब हम आलू डालेंगे क्योंकि ये 1 या 2 प्रेशर में हो जाते हैं। ये 3 मीडियम साइज की प्याज हैं, ये 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा लगती है, आप इसे भी घटा बढ़ा सकते हैं। और अदरक लहसुन इसमें से मैं 2 टीस्पून लूँगी। फ्रेंड्स, मटन बनाने में ग्रेवी के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है जिसे कि हम मसाला भुनने के बाद आराम से निथार सकते हैं। तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इतना थोड़ा सा खोपरा हमारा पीसने में मुश्किल होगी, इसलिए हम ये जो सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको भी साथ में करके हम थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेंगे। अच्छा, फाइन पेस्ट बन जाएगा। देखिए, ये सारी चीज़ों को मिला के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस तरह से फाइन पेस्ट बना लिया है। और यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया था जब तक। अब इसमें हम डालते हैं ये 3-4 लौंग, छबीला या पत्थर फूल, और ये पत्ता है। जब हम कुकर में मटन ऐड करते हैं और खड़े मसाले डालते हैं तो काली मिर्ची और लौंग फूटती है, इसलिए बहुत संभाल के काम करिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मटन ऐड करते टाइम एकदम खुला करेंगे तो वो भी फूटेगा, इसलिए आंच धीमी रखें। और इस तरह से करके आप पीसेस को तेल में डालते जाएँ। अगर मटन में पानी अच्छी तरह से निचला हुआ है तो आप एक साथ भी सबको डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सब डाल दिया। 1 मिनट को मैं ऐसे ढाँक दूंगी इसको। 1 मिनट जो मटन है वो सेटल हो जाएगा। अब आप ढक्कन हटा सकते हैं और आँच को तेज कर सकते हैं। इस टाइम हम मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मटन अपना पानी जो है वो रिलीज करता है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये बोटियाँ अच्छे से बंधी हुई दिखने लगेंगी और इनकी जो एक रॉ स्मेल है वो चली जाएगी। तब फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। आप चाहें तो अच्छे भुने भी बना सकते हैं क्योंकि ऑयल में ये लाइट होता है। अपनी अपनी चॉइस है, जैसा भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। ये बोटियाँ बन सी गई हैं और ये आराम से अलग हो रही हैं, पानी इनका खुशने से आ रहा है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। इस टाइम पे अगर हम अलग अलग मसाले रखते हैं तो हम हल्दी डाल सकते हैं, वो अच्छे से पीसेज में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने साथ में मसालों के डाला है तो हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। जब ये प्याज हल्की गुलाबी हो जाएगी तब फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक मिलाएंगे, फिर सारे मसाले डालेंगे। 3-4 मिनट अच्छे से प्याज गलने के बाद ये देखिए कलर चेंज हो गया है,
और अभी अदरक लहसुन डाल के इसको हम और भुनेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन बन के जब ये तैयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम 4 टी स्पून बोल रही हूँ मैं, 4 टी स्पून डाला है अदरक लहसुन। इसमें हमेशा जब हम पीसते हैं तो लहसुन की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा रहती है और अदरक की कम। अब इसको हम फिर से भूनेंगे। अगर आपका थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो बहुत थोड़ा सा पानी, ये अदरक लहसुन चिपके ना, डालिए और इसको और हमको भूनना है। 8-10 मिनट हो गए भूनते हुए और अब इसमें हम ये मसाला जो हमने पीसा था ये डाल देंगे। बहुत से लोग टमाटर भी इसके साथ पीस लेते हैं, प्याज और एक साथ, लेकिन वो भुनने में बहुत वक्त लेता है और कच्चापन लगता है, तो ये बेटर है कि आप प्याज को अलग से भुनें, प्याज अदरक लहसुन को अलग से भुनें। और ये जो हम सारे मसाले डाले हैं 3-4 मिनट इसको डाल के, और आजकल क्योंकि टमाटर की स्किन बहुत अच्छे से नहीं गलती है तो ये हमने उबाला नहीं है, बस सिंपली ब्लेंड किया है। अब बहुत सी बार ये होता है कि कई लोग ऐसा सिंपल इसी में भून के पानी डाल के बना लेते हैं, आप चाहें तो टमाटर डाल के, पर आलू गोश्त में टमाटर डलता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पहली बार बनाते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। छोटी सी गलती से चीज़ आपकी बिगड़ सकती है, और छोटी 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 ध्यान रख के आप बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम में एकदम मज़ेदार सा सालन बना सकते हैं। ये 3 टमाटर हैं, अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। अभी मैं देखिए 2 टमाटर 2 चम्मच पहले डाले हैं और इसको मैं भून रही हूँ। मैंने 2 लोगों के लिए ग्रेवी बोली थी कि सफिशिएंट होती है, ये खाने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा शौक रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे से खाएंगे, और कुछ लोग बहुत थोड़ा सा खाते हैं तो ये फिर भी 3 लोग तो आराम से फिर खा सकते हैं। अभी मैंने नमक नहीं डाला था, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि जब हम शुरू में डालते हैं तो ये चीज़ें रिड्यूस होती हैं, मटन जो है वो भी रिड्यूस होता है, आप जैसे भाजियाँ बनाएं तो वो भी रिड्यूस होती है। तो अब जब हमारी सारी चीज़ें डल जाएंगी तब हम अंदाज से नमक डालेंगे तो वो नमक सही रहेगा। नमक भी आप अपने हिसाब से डालिए, नमक आप कौन सा डालते हैं, कितना टेस्ट खाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। नमक हम हमेशा बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, एक बार खारा हो जाता है तो उसको नॉर्मल करना मुश्किल होता है। अब ये सारी चीज़ें हमारी डल गई हैं, अब इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसकी थोड़ी सी भुनाई करना है हमको, और फिर हम इसका प्रेशर लगा के पानी डालेंगे। हम इसमें 1 कप भर के डालेंगे, और देखिए डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हैं, कई जगह तो जितनी भुनाई हमने की है मटन इतने में ही गल जाता है, और कई जगह हमको प्रेशर देना पड़ता है तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ मेरे को 20 मिनट्स तो मुझे प्रेशर कुकर में से रखना ही पड़ेगा, ये तब गलेगा, है ना। और मटन छोटे बकरे का है बड़े का है उस पर भी डिपेंड करता है, तो ये आपको खुद से एक्सपीरियंस से आपको करना पड़ेगा, खोल के देख लीजिएगा। अगर हो गया है तो ठीक है, 80-90% हो जाए तो आप खोल के देख लीजिए। और जिस तरह से ये मैंने आलू काट के थोड़े से नमक में भिगा के रखे हैं कि ये काले ना पड़े, है ना, तो इस तरह से तैयारी करके हमको रख लेना चाहिए। सब मसाले डाल के भी हमने इसको 7-8 मिनट भून लिया है। अब अगर आप इसको भुना खाना चाहते हैं तो कम पानी डाल के इसको आप गला लें और गार्निश करके इसको रोटी तंदूरी किसी के भी साथ खाएं, पर इसको हम आलू गोश्त बनाएंगे। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी डालते हैं, एक साथ पानी कभी भी मत डालिए, थोड़ा डाला है मैंने, थोड़ा और डालूंगी। मुझे ज़्यादा पानी इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे यहाँ मटन गलने में वक्त लगता है ना, तो ये छोटे बकरे का ही था इसलिए इसको मैं 20 मिनट्स करूँगी, खोल के देखूँगी, और अगर हो गया होगा तो फिर मैं इसमें आलू डाल के, और पहले हम 2-3 प्रेशर्स इसको तेज़ सीटी पे देंगे फिर धीमा कर लेंगे। टोटल हमको 20 मिनट्स रखना है, प्रेशर से काउंट नहीं करेंगे हम, टाइम से काउंट कर, प्रेशर कुकर का
ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ी देर इसको हम तेज पे करेंगे। एग्जैक्टली 20 मिनट कुक करने के बाद ठंडा करके इसको हमने खोल लिया था और इसमें इतना पानी बचा है और मटन अच्छे से हो गया है। तो अब हम आलू जो डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आलूओं के लिए और बस एक प्रेशर देंगे और हम बंद कर देंगे। फिर ये अपने आप धीरे धीरे इसमें तरी आ जाएगी। किसी भी सालन या जो ग्रेवी वाली हम डिश बनाते हैं उसकी खूबसूरती रहती है जब ये तरी अच्छे से आ जाती है, इसका मतलब है कि अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम आलू के लिए, क्योंकि ये पतला सालन बनता है और पुराने लोग इसको मैं दिखाऊंगी किस तरह से इसमें रोटी चूरा करके खा लेते थे जिनके दांत भी नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा पतला ही बनता था। ये अपनी पर्सनल टेस्ट पे है कि अपन इसको कितना पतला रखना चाहते हैं। अब ये इतना है, इसको मैं एक प्रेशर दूंगी और बंद कर दूँगी। ठंडा होने पे खोलेंगे और मैं आपको सर्व करूँगी। चलिए इसको हम लगा देते हैं। तो हमने इसको एक प्रेशर लगा के और बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया था कि इसकी तरी छूट जाए। अब ये बंद हुए हुए भी 10 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरी आई है। अब इसको अगर खाना है आपको तो आप इसको रोटी तंदूरी किसी भी चीज़ के साथ खाइए। मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये किस चीज़ के साथ सर्व करना है। देखिए आलू भी अपने इंटैक्ट हैं और गल भी गए, टूटे नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है और इसको आप रोटी के साथ और ये कचूमर जो बनता है इसके साथ बना के खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आलू गोश्त और रोटी के साथ मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। बर्तन भी जब हम यूज़ करते थे तो इस तरह वाले यूज़ होते थे जो तामचीनी के कहलाते थे। अब तो ये सारी चीज़ें जो आजकल के बच्चे हैं उन्होंने तो देखी भी नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारी चीज़ें होती थी आजकल माइक्रोवेव सेफ बर्तन स्टील के। लेकिन जब पहले खाना बनता था तो कुछ ख़ास बर्तन कुछ ख़ास चीज़ों के लिए होते थे। तो आज मैंने अपनी यादें ताज़ा की हैं, आप इंजॉय करिए और मैं भी अपनी फ्रेंड अपने बच्चों के साथ इसको इंजॉय करूँगी।